नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में यूपी निकाय चुनाव को लेकर फिर सुनवाई चल गई है। चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक बरकरार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई चली है और ऐसे में मामले में अगली सुनवाई फिर से कल होगी। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल गई है और अब मामले में अगली सुनवाई फिर कल होगी। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से सीधे तौर पर सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर अब सुनवाई टल गई है और अहम सुनवाई अब कल होगी। चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक बरकरार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अगली सुनवाई फिर कल होगी और ऐसे में ये बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब सीधे तौर पर जिस तरह से कोरोना के भी मामले सामने आ रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना को दी गई थी चुनौती, जिसके बाद अब ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ता का आरोप लगाया गया है। उसका कहना है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर तक रोक लगाई और कोर्ट ने 14 दिसंबर तक रोक लगाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। मनीष, जिस तरह से पूरा मामला है अब निकाय चुनाव की अहम जो बहुत ही अहम माना जा रहा था और ऐसे में अब सुनवाई टल गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? लखनऊ में यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टाल दी गई है और ऐसे में अब निकाय चुनाव की तिथियों में फिर से एक बार सस्पेंस बना रहेगा। चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक बरकरार रहेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अगली सुनवाई अब फिर से कल होगी और ऐसे में अब बेहद दिलचस्प, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव का बिगुल जिस तरह से बजता हुआ दिखाई दे रहा है, तिथियों को लेकर संशय बना हुआ है। चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक बरकरार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुनवाई अब टाल दी गई है, मामले में अगली सुनवाई अब फिर कल होगी, जिसके बाद क्या कुछ सामने आएगा। लखनऊ से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी निकाय चुनाव को लेकर अहम जो खबर है, अब सुनवाई टाल दी गई है। चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक बरकरार है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई कल होगी। ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर तिथियों में देरी हो रही थी और अब ऐसे में कोरोना का भी उछाल देखने को मिला है। कोरोना के मामलों में भी उछाल आया है देश में, तो ऐसे में अब चुनाव की तिथियां क्या होंगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अब कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल गई है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से ये पूरी खबर है कि अब सुनवाई टाल दी गई है, कल फिर से सुनवाई होगी, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि कोर्ट में एक पूर्व न्यायिक अधिकारी हैं जिनके आज निधन हो गया था, उसको लेकर रेफरेंस कर दिया गया है, जिसको चलते हुए कि आज की सुनवाई जो है टल गई है। अब माना जा रहा है कि सुनवाई कल जारी रहेगी, कल जब केस टेकअप होगा उसके बाद इस चीज़ के जो सुनवाई थी जो कि आज जारी रही थी वो कल जारी रहेगी। इसी के साथ जो अधिसूचना पर जो स्टे था वो भी कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 दिसंबर के बाद जो अधिसूचना जारी की थी उस पर रोक लगा दी गई थी, 12 तारीख 14 तारीख और फिर लगातार 20 तारीख से 20
21, 22 आज तीनों दिन की सुनवाई होनी थी। उसके बाद जिस तरीके से आज सुनवाई को लेके करीब 3:15 का समय दिया गया था कि 3:15 के आसपास के जो केस है वो टेकअप किया जाएगा, और उसके पहले ही निधन की सूचना आती है, उसके बाद रेफरेंस कर दिया जाता है। तो माना जा रहा है कि कल का बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा, कोई अहम फैसला भी आ सकता है, क्योंकि कल जो कोर्ट है उसका आखिरी दिन है कि 24 तारीख मतलब परसों से जो शीतकालीन अवकाश है उस पर कोर्ट जाएगी, और फिर 3 जनवरी को ये कोर्ट पुनः शुरू होगी। तो माना जा रहा है कि कल अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है या फिर कल टेकअप नहीं होता है केस, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, 3 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको किसी फैसले के लिए आप जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल बहुत अहम दिन है, अहम फैसले का दिन है, और सभी राजनीतिक पार्टियों का जो नजरें हैं वो उच्च न्यायालय की तरफ रहेगी, क्योंकि कल आखिरी दिन भी है शीतकालीन अवकाश के जाने के पहले। जी ऋतु, बिल्कुल मनीष, और ऐसे में अब एक और मामला भी सामने आ गया है, ओबीसी आरक्षण तो था ही, और ऐसे में अब कोरोना के मामले भी सामने आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि आखिर तिथियों का जो सस्पेंस है वो कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, ये जो पूरा मामला है जो उच्च न्यायालय में है, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेके है, अभी इसमें कोई कोरोना की कोई पीआईएल या कोई इसमें कोरोना का जो केसेस का है वो इसमें नहीं देखा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, आज कोविड को लेके एक बड़ी बैठक भी की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अभी दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री कोविड को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई जो देश की तरफ से जो राज्य को जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन प्रोटोकॉल के तहत आपको जो भी इलेक्शन होंगे या कोई भी आयोजन होगा आपको कोविड कॉल के तहत करना पड़ेगा। जिस तरीके से दुनिया भर में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट आया है, खुद इंडिया में उसके 3 पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेके कोविड को लेके गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। नई गाइडलाइंस में क्या आता है इसको देखना होगा, तमाम चुनाव पहले भी कोरोना गाइडलाइंस में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस को लेते हुए हैं, तो माना जा रहा था कि जो जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां थी उसमें अगर स्टे हटता है, अधिसूचना जारी रहती है, तो उसको लेके फिर कोविड गाइडलाइंस के सरकार नई कोई गाइडलाइन जारी करके उसकी तरफ प्रक्रिया कर सकती है, पर अभी इंतजार करना पड़ेगा कि निकाय चुनाव होता है कि चलता है, इसमें भी अभी संशय प्रकार है, क्योंकि कल जब ये केस टेकअप होगा और उसके बाद जब उसमें कोई फैसला आएगा उसके बाद ही निर्धारित किया जाएगा कि अगर सरकार के पक्ष में अगर फैसला आता है तो अधिसूचना जारी होगी, आपकी चयन प्रक्रिया जो है दावेदारों की वो शुरू होगी, उसके बाद कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। माना है कि आपको ये मार्च एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, और मार्च तक आपको निकाय चुनाव की तरफ जाते हुए उत्तर प्रदेश नजर आएगा। अभी बहरहाल इंतजार रहेगा, कल तक का इंतजार है, कल क्योंकि कोर्ट का आखिरी दिन है तो इसलिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, एक अहम फैसले का इंतजार रहेगा, और सभी राजनीतिक पार्टियों की जो निकाय है वो उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल मनीष, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनीष।